द नेक्स्ट टॉपिक इज एवरेज पेबर एसोसिएटेड विद रेजिस्टेंस और नॉन इंडक्टिव सर्किट चलिए अब आपके पास एक रेजिस्टिव सर्किट है मतलब जिसमें सिर्फ रेजिस्टेंस है ऑल्टरनेटिंग ई e में आप सप्लाई कर रहे हो ई इज़ इक्वल टू ई नॉट साइनोमेगा टी क्योंकि रेजिस्टिव सर्किट है मतलब सिर्फ इसमें रेजिस्टेंस है तो करंट और वोल्टेज सेम फेज में होंगे सो so, आई क्या होगा ई नॉट साइन ओमेगा टी हमने पावर निकालनी है पावर का फॉर्मूला होता है ई इन टू आई ई और आई की वैल्यूज़ पुट करो तो आपके पास आएगा ई नॉट साइनोमेगा टी आई नॉट साइन ओमेगा टी ई नॉट इन टू आई नॉट साइंस के रोमेगा टी पावर क्या होता है डी डब्ल्यू बाई टी टी ओके तो ई नॉट साइंस केयर ओमेगा टी डी टी को इधर ले जाओ <coughs> हमने वर्क डर निकालना तो क्या करेंगे ओवर कम्प्लीट साइकिल इंटीग्रेट कर देंगे जीरो से टी तक ई नोट आई नॉट जीरो से टी साइंस केयर कैन बी रिटर्न एज वन माइनस कॉस टू ओमेगा टी बाई टू इंटू डी टी इंटीग्रेट करो इसको टू बाहर ले लो ई नोट आई नॉट वन की इंटीग्रेशन क्या होगी टी और क्वास्टूमेगा तो की क्या हो जाएगी साइन टू तो मेगा बाई टू ओमेगा टी बाई टू मेगा अपर लिमिट्स पुट करो लिमिट्स पुट करो जीरो से टी ज़ीरो से टी अपर लिमिट टी माइनस जीरो साइन ओमेगा टी टी माइनस जीरो देखो उसके इसको पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा जीरो इससे ज़ीरो आप डायरेक्ट भी पुट कर सकते हो बाय स्टूडेंट्स अगर, अगर अदरवाइज आप सॉल्व भी कर सकते हो आपने पिछले किस्त सॉल्व भी किया था टू ओमेगा कैन बी रिटन है टू पाई बाई टी इन टी माइनस ज़ीरो ठीक है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट टी से टी कैंसिल साइन फोर पाई क्या होता है जीरो जीरो माइनस जीरो जीरो तो आपके पास अल्टीमेटली आंसर जीरो होगा एंड मोर ओवर आपको पता है ओवर अ कम्प्लीट साइकिल ये जीरो से टी मतलब साइन का ग्राफ ओवर अ कम्प्लीट साइकिल पॉजिटिव नेगेटिव होता है ना तो कैंसिल हो जाता है साइन ओवर अ कम्प्लीट साइकिल वैसे भी जीरो होता है ओके तो आप डायरेक्ट वे पुट कर सकते हो तो आपके पास आ जाएगा ई नॉट आई नॉट बाई टू इन टू टी इट कैन बी रिटर्न एज हमने तो वर्क किया था अपॉन टाइम इधर ले जाओ तो ई नॉट आई नॉट क्या ई नॉट बाय रूट टू आई नॉट बाय वट वॉज ई नॉट बाय रूट टू दट ऑज अ वर्चुअल वैल्यू ऑफ ई एम एफ एंड वट वॉज आई नॉट बाय टू वर्चुअल वैल्यू ऑफ करंट सो व्हाट इज़ अ पावर वर्चुअल वैल्यू ऑफ ई एम एफ एंड वर्चुअल वैल्यू ऑफ करंट नेक्स्ट इज एवरेज पावर एसोसिएटेड विद इंडक्टर अब इंडक्टर लगा इंडक्टर में क्या करता है करंट वोल्टेज से नाइन्टी डिग्री पीछे होता है ई एम एफ ई नॉट साइन ओ टी करंट क्या हो जाएगा आई नॉट साइन ओ टी माइनस बाय टू पावर निकालो ई इन टू आई ई नॉट साइन ओमेगा टी आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू ई ई नॉट साइन ओमेगा टी आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू कैन बी रिटर्न इज माइनस कॉस ओमेगा टी मल्टीप्लाई करो ई नॉट आई नॉट माइनस बाहर आ जाएगा साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी ये आ गया आपके पास अब पावर इज डी डब्ल्यू बाई डी टी पावर इज डी डब्ल्यू बाई डी टी डी टी को इधर ले जाओ डी डब्ल्यू इज माइनस ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी टी डी टी टोटल वर्कडन निकालने के लिए आप क्या करोगे इंटीग्रेट करोगे अ साइकिल जीरो टू टी माइनस ई नाट आई नॉट साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी डी टी आप क्या करोगे डिनोमिनेट मल्टीप्लाई बाय एंड डिवाइड बाय टू ऊपर नीचे टू से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे क्यों करोगे आप क्योंकि टू साइन टीटा थीटा क्या होता है साइन टू थीटा फॉमूला बन जाएगा आपके पास टू साइन ओमेगा टी कॉसोमेगा टी साइन टू उमेगा टी और आप अभी करके अटे हो दिस इज जीरो सो वर्क डन ओवर ओवरऑल इंडक्टर इज ज़ीरो मतलब अगर आप ए सी पास कर रहे हो इंडक्टर में से तो जब ए सी करंट पास हो रहा है वर्क डन इज जीरो पावर कंज्यूम्ड बाय इंडक्टर अगेंस्ट या पावर कंज्यूम्ड बाय एन इंडक्टर ड्यूरिंग अ ए सी साइकिल इज जीरो हाउ इट इज पॉसिबल सी हियर आई हैव एक्सप्लेन दिस सो एवरेज पावर ओवर कम्प्लीट साइकिल ऑफ ए सी थ्रू एन आइडियल कंडक्टर इज ज़ीरो बिकॉज एनर्जी रिक्वायर्ड इन बिल्डिंग ऑफ द करंट इन एल इज़ रिटर्न बैक टू द डिक्यू क्यों होता है ऐसा एक्चुअली क्या रहा है जब आप ए को पास कर रहे हो ना तो ए पास करने पर जो करंट जो ए करंट जो जा रहा है ना तो जितनी एनर्जी करंट बिल्डअप करने में जा रही है ना वो उतनी एनर्जी वापस आ रही है एनर्जी रिक्वायर्ड इन बिल्डिंग अप द करंट इन इंडक्टर इज़ रिटर्न बैक टू द डिक्य ऑफ करंट मतलब करंट जा रहा है फिर डिके हो रहा है करंट जा रहा है कैसे हो रहा है देखो ये इसी साइकिल आपके पास पास हो रही है इसमें से जीरो से टीब है फोर्थ टाइम के बीच में करंट बढ़ रहा है इंडक्टर में से ये देखो सिर्फ जीरो से टीब करंट बढ़ रहा है करंट बढ़ रहा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स पर नहीं दिख रही है आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स पर दी हैं कोर अंदर वाली कोर अंदर आपने बीच को मटेरियल रखा हो आयरन रखा हो सपोज वो मैग्नेटाइज हो रहा है मैग्नेटाइज हो रहा है मतलब एनर्जी इज बीइंग एब्जॉर्ब बाय द सोर्स एनर्जी इज बीइंग बींग्जॉर्ड बाय द सोर्स मीस पावर इज पॉजिटिव पावर का ग्राफ बनाओ देखो कैसे बनेगा यह आपने डॉटेड वाला जो लिया लिए करंट लिया और ये वाला आपने लिया e. ईके तो पावर क्या होगा ई इन टू आई पॉजिटिव आया देखो यहाँ से यहाँ तक यहाँ से यहाँ तक ये यह ई है और ये आई है दोनों तो पॉजिटिव है ना तो ई इन टू आई भी क्या आएगा पॉजिटिव आएगा तो पावर क्या आ गई है पॉजिटिव आ गया आपके पास चलिए अब आती है बात टी बाय फोर से टी बाय टू तक क्या हो जाएगा करंट स्टिल पॉजिटिव करंट अभी भी पॉजिटिव है करंट पॉजिटिव है बट डिक्रीजिंग करंट है सो कोर विल गेट डी मैग्नेटाइज्ड एंड एनर्जी इज बिंग रिटर्न टू द अब देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स यहाँ से यहाँ तक कम हो गई ना मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कम हो गई तो मीन्स एनर्जी इज बींग सेंड टू द सोर्स एनर्जी वापस आ गई तो पावर इज नेगेटिव कैसे देखो ये था ना टी बाय फोर से टी बाय टू तक ये आपके पास है e, ई और ये कहता है, current, है e negative, current, क्या था करंट है ना ई नेगेटिव करंट पावर का फॉर्मूला क्या होता है ई इन टू आई ई नेगेटिव करंट पॉजिटिव यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव है ये और ई नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव आंसर क्या आएगा नेगेटिव पावर नेगेटिव मतलब एनर्जी इज बींग सेंड टू द सोर्स वापस ओके सो नेक्स्ट इज़ नेक्स्ट साइकिल आपके पास टी बाय टू टू थ्री टी बाय फोर अगेन करंट रिवर्स डायरेक्शन में बढ़ेगा करंट बढ़ेगा तो फ्लक्स भी बढ़ेगा कोर विल गेट मैगनेटाइज अगेन बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन देखो पहले इधर नॉर्थ साउथ आ रहा था ना मान लो तो अब इधर आ जाएगा साउथ नॉर्थ ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो जाएगी तो पावर विल अगेन भी पॉजिटिव दिख रहा आपको इसमें क्या है यहाँ पे देखो टी बाय फोर से थ्री टी बायो करंट भी नेगेटिव पावर भी नेगेटिव, नेगेटिव ये दोनों नेगेटिव तो नेगेटिव नेगेटिव आंसर क्या हो जाएगा पॉजिटिव पॉजिटिव होने का मतलब है एनर्जी इज़ बींग टेकन बाय द सोर्स तो एनर्जी टेकन बाय सोर्स एनर्जी रिटर्न बाय सोर्स एनर्जी टेकन बाय सोर्स एनर्जी रिटर्न बाय सोर्स तो नेट एनर्जी कितनी होगी ज़ीरो सो नेट पावर कंज्यूम कितनी हो जाएगी सो जीरो सो जब एक इंडक्टर में से एसी करंट पास करता है तो इंडक्टर क्या करता है मैग्नेटाइज़, डी मैग्नेटाइज़, डीमैग्नेटाइज़ डी ऐसे होकर नेट पावर कंज्यूम कितने कर देता है जीरो